वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिश टीवी इंडिया कंपनी की डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि हम यहां देखते हैं, इस कंपनी की शेयर प्राइस 12.40 रुपये है और आज के दिन 13% की तेज़ी हमें देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 11% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, 1 महीनों में 5% के नेगेटिव रिटर्न दिए, 6 महीनों में 35% के नेगेटिव रिटर्न और 1 साल में ऑलमोस्ट 12% के नेगेटिव रिटर्न दिए। पिछले 5 सालों में 84% के नेगेटिव रिटर्न दिए। अगर आपने 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर को ख़रीदा होता तो ऑलमोस्ट आपका 80 पैसा यहाँ डूब चुका है। और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 88% के नेगेटिव रिटर्न इस कंपनीज ने दिए हैं। यानी ऑल ओवर इस स्टॉक ने, इस कंपनीज ने काफ़ी नेगेटिव रिटर्न दिए। तो क्या इस स्टॉक को हमें ख़रीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो पहले हम बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न पर, फिर हम बात करेंगे कंपनीज के फंडामेंटल्स पर। तो जैसा कि हम यहाँ चार्ट ओपन करते हैं और आप यहाँ देख सकते हो, 1 डे के टाइम फ्रेम में इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और ये स्टॉक अगर यहाँ पे 12.50 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो थोड़ी तेज़ी और हमें देखने को मिल सकती है। फिर ये स्टॉक 13 रुपये तक भी देखने को मिलेगा। जब भी आप चार्ट ओपन कर रहे हो तो पहले लॉन्ग टर्म चार्ट ओपन कीजिए ताकि आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्लियर हो सके। और जैसा कि हमने देखा चार्ट पैटर्न पर, इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है काफ़ी टाइम से। तो यहाँ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर बनाते हैं तो ऑल ओवर एक सपोर्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाला, यानी 3.55 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला है। क्योंकि 3.55 रुपये का लेवल काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं हुआ है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन्स बनाते हैं तो ऑल ओवर आप यहां देख सकते हो ट्रेंड लाइन का भी प्रॉपर सपोर्ट होते हुए देखने को मिला। जब जब ये ट्रेंड लाइन पर आता है तो स्टॉक में वापस बाउंस बैक देखने को मिलता है। अगर हम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आप यहां देख सकते हो इसका जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, यानी एक अप ट्रेंड देखने को मिला है। बट यहाँ नीचे सपोर्ट की बात करें तो एक मेजर सपोर्ट हमें यहाँ देखने को अभी मिल रहा है 9.90 रुपये पर। अगर ये स्टॉक 9 रुपये के नीचे जाता है तो स्टॉक में मेजर फॉल हमें देखने को मिलेगा। फिर ये स्टॉक वापस 3 रुपये तक भी जा सकता है। बट यहाँ आपको वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा और होल्ड रखना होगा अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं तो। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पर वही जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने मंथली टाइम फ्रेम पर बनाए, यहाँ पर प्रॉपर वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। और ये एक स्टॉक अभी यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल्स बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगर 12.50 रुपये के लेवल को ये प्रॉपर ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक में और तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। फिर ये स्टॉक 16 रुपये तक भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिल रहा है 16 रुपये पर। बट आपको पेशेंस रखना होगा, होल्ड रखना होगा। अगर ये 12.50 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ही इस स्टॉक में जो ट्रेंड होगा वो कंटिन्यू ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट ये एक छोटा पेनी स्टॉक है। अगर आप इस स्टॉक में ज़्यादा क्वांटिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये रिस्की भी होगा। अब हम बात कर लेते हैं कंपनीज के फंडामेंटल्स पर। तो जैसा कि हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, ये जो कंपनी है यहाँ पर डायरेक्ट टू होम यानी DTH कंपनी प्रोवाइडिंग डिस सर्विस अक्रॉस द सेगमेंट इन द कंट्रीज। मतलब ये जो कंपनी है यहाँ पे आपके जो DTH यानी जो सेगमेंट होता है सर्विस, जो डिश टीवी चैनल्स वगैरह सभी में काम लेते हैं, आप भी आई होप इस टीवी कनेक्शंस लेते होंगे और इसका डिश कनेक्शन आपके घर में होगा। अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन 2219 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का लो 10 रुपये, स्टॉक का ही 23.40 रुपये। पी की बात करें तो 0.2.99 PE है। बुक वैल्यू 5 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.0 है। ROC 24% है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी 41%। अगर हम बात करें यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट्स की तो आप यहाँ देख सकते हो कंपनी को काफ़ी लॉस देखने को मिला है। हर क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा लॉस, इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का लॉस देखने को मिला, जो कि पिछले कुछ टाइम से कंपनीज को प्रॉफिट देखने को मिले थे 50 करोड़, 31 करोड़ एंड 81 करोड़ के। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहे हैं, 75 करोड़, 1145, 1640 एंड 1178 करोड़। अभी कंपनी का जो लॉस है 1831 करोड़ देखने को मिला है। अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो जहां कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी ज़्यादा लॉस है तो ऐसी कंपनीज डूबने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स भी काफ़ी कम है और बोरिंग्स भी ऑलमोस्ट ज़्यादा देखने को मिला है 376 करोड़ का। यानी कंपनीज का कंटिन्यू जो रिजर्व्स है काफ़ी कम होते हुए देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा बोरिंग्स होने के बाद अभी कंपनी के पास
376 करोड़ का बोरिंग्स है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रमोटर की, तो प्रमोटर्स अपने स्टेक्स यहाँ पे कंटिन्यू बेच रहे हैं। FIS के पास 11% के स्टेक्स है, DIS के पास 26% के स्टेक्स है। DIS में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो है यस बैंक के पास। आप देख सकते हो यस बैंक वैसे ही एक डूबी हुई कंपनी है, और इस कंपनी के पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेक है। तो ये कंपनियाँ जब आपस में क्रॉस होती है, तो एक कंपनी है, जब एक कंपनी के शेयर नीचे गिरते हैं तो दूसरी कंपनी के शेयर्स भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। पब्लिक होल्डिंग 56% की है, तो ऑल ओवर कंपनीज के फंडामेंटल्स काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसा कि आप चार्ट पैटर्न देख रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये रिस्की हो सकता है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है? नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।